मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पैरा एसएफ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली को लेके। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल रहता है कि सर इंडियन पैरा एसएफ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली होती है नहीं, तो उसको लेके पूरी अपडेट इस वीडियो में रहने वाली है कि इंडियन पैरा एसएफ की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली होती है वो कब आती है, इसमें फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, तो उसको लेके पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में रहने वाली है। तो जितने भी छात्र इंडियन पैरा एसएफ में जाने का सपना देखते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। इस वीडियो से आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार इंडियन पैरा एसएफ की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली होती है उसमें फिजिकल में क्या क्या पूछा जाता है, और इंडियन पैरा एसएफ में जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें क्या पूछा जाता है, और आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली कब से कब तक होती है, और उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एक बार। और जितने भी छात्र मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरीके की हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वैकेंसी को लाते रहते हैं। तो वही बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पैरा एसएफ की। दो तरीके से भर्ती होती है, एक तो होती है आपकी रेजिमेंटल थ्रू, मतलब मान लीजिए अगर आप इंडियन पैरा एसएफ कमांडो में जाना चाहते हो, आप इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हो, तो इंडियन आर्मी में दो साल की सर्विस देने के बाद आप डायरेक्ट भर्ती ले सकते हो, इंडियन पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें जो डायरेक्ट रैली होती है उसके लिए बहुत सारे छात्र इच्छुक होते हैं कि डायरेक्ट रैली देखनी है सर हमें, कि डायरेक्ट रैली में हमें जाना है और डायरेक्टली हमें पैरा एसएफ कमांडो में भर्ती होना है, तो उसको लेके आपको क्या करना होगा, तो वही अपडेट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलो मैं आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ जो कि इंडियन पैरा एसएफ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली को लेके आता है और उसमें आपसे क्या क्या कराया जाता है। तो चलो मैं आपको ऑफिशियली वो नोटिस पर ले चलता हूँ। मैं ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको चाहिए होता है पैरा एसएफ में। आप यहाँ देख सकते हो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर इंडियन पैरा एसएफ, पैरा एसएफ के लिए क्या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चाहिए होता है, उसको लेके पूरी अपडेट रहने वाली है। तो चलो मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दिखाता रहता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करें कि इंडियन पैरा एसएफ में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, मतलब आपको क्या क्या कराया जाता है। तो वही बता दूँ कि आपको फिज़िकली और मेंटली एक तरीके से बिल्कुल फिट रखा जाता है। उसमें बात करें कॉम्बैट फ्री फॉल, मतलब हवा से गिराया जाता है आपको, अंडर वाटर डाइविंग कराई जाती है, पैरामोटर पायलट होते हैं आप, मिसाइल पायलट भी होते हैं, रॉक क्राफ्ट मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, आइस क्राफ्ट पहाड़ बर्फीले पहाड़ों पे चढ़ना, ये सब सिखाया जाता है आपको ट्रेनिंग के दौरान। ये सारे स्किल कराए जाते हैं और जिससे कि एक परफेक्ट कमांडो आप बन सके। वहीं बात करें सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपसे क्या क्या कराया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट इनटू अ पैरा रेजिमेंटल, देख सकते हो पैरा एसएफ में आपको डायरेक्ट एंट्री जो होती है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या कराया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विथ अ फ्यू टू रिक्वायर्ड मोटिवेट अ वॉलंटियर सोल्जर, आप देख सकते हो उन सभी को मोटिवेट किया जाता है। आप देख सकते हो सक्सेसफुल एंड एलिजिबल कैंडिडेट दोज अटेनिंग 100% मार्क्स इन फिजिकल फिटनेस, आप यहाँ पे देख सकते हो ए पॉइंट फिजिकल फिटनेस में अगर आपके 100% मार्क्स आएंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे फिजिकल। इंडियन पैरा एसएफ जो कमांडो का फिजिकल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, आप सभी को पता है इंडियन आर्मी का जो फिजिकल होता है उससे भी हार्ड होता है ये फिजिकल। तो फिजिकल में आपको 100% मार्क्स लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ये तो बात रही फिजिकल को लेके, अभी फिजिकल को लेके पूरी डिटेल में बताऊंगा। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर रिटर्न एग्ज़ाम होता है या नहीं होता, तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका कंपलसरी होता है, हर रिक्रूटमेंट में होता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम पैरा एसएफ के जो डायरेक्ट एंट्री है उसमें भी होता है, उसमें जो आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए होते हैं वो आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 50% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट एंड इन मैरिट विल बी आस्क, आप देख सकते हो अगर आपने 50% मार्क्स क्वालिफाई कर लिए हैं, अगर आपके 50% मार्क्स आ गए हैं तो आप देख सकते हो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपके 50% मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम में आ गए हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं बात करें जो अलग चीज़ है उसको लेके कि इसमें आपके जो फिज़िकल में क्या क्या कराया जाता है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। फिज़िकल की बात करें सबसे पहले आपसे 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, 5 किलोमीटर की रनिंग मतलब आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है जिसमें कि आपको 20 मिनट दिए जाते हैं।
ये कंफर्म देख लीजिए कि आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, आपको इतना ही टाइम दिया जाता है और इतनी किलोमीटर रनिंग कंपलसरी करनी होगी वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद आपसे क्या कराया जाता है, चिनअप्स कराए जाते हैं जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट में 10 के आसपास चिनअप्स होते हैं जिसमें कि 7 क्वालिफाई होते हैं। यही बात करें यहाँ 14 चिनअप्स आपको करने ही होंगे, ये कंपलसरी है, इसमें कोई छूट नहीं है कि आप 13 कर लो 12 कर लो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको 14 के 14 चिनअप्स करने हैं। वहीं बात करें और मैं दिखा देता हूँ और क्या डिटेल है। चिनअप्स के अलावा आपसे पुशअप्स कराए जाते हैं, पुशअप्स की बात करें आपसे तो पुशअप्स आपसे 1 मिनट में 40 रैप्स कराए जाते हैं, मतलब 1 मिनट में आपको 40 बार उठक बैठक या पुशअप्स करने होंगे। वहीं बात करें इसमें पुशअप्स के अलावा उठक बैठक भी होती है जिसमें कि आपके डबल टाइम होता है, 2 मिनट्स और 80 रैप्स करने होते हैं। पुशअप्स तो आप सभी को पता है और सिटअप्स जो होते हैं ये आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी कराए जाते हैं जो कि आपको बहुत ही कम कराए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको पैरा कमांडो SF में आपसे 2 मिनट में 80 रैप्स कराए जाएंगे। वही बात करें सिटअप्स के, और पांचवी जो चीज़ है ये आपके MTR शटल जो कि आपकी बैलेंसिंग होती है जो कि 1 मिनट में 17 टाइम्स आपको करनी होगी। तो ये फिजिकल का होल प्रोसेसर बता दिया है मैंने को, ये पांच जो चीज़ें हैं आपको पूरी तरीके से तैयार रखनी है अगर आप इस रिक्रूटमेंट डेली को देखना चाहते हो तो, आप सभी को ये पांच चीज़ें बिल्कुल तैयार रखनी है जिससे कि आप उसके जो फिजिकल को है क्वालिफाई कर जाओ। ये तो मैंने आपको बताया कि 100% आपको फिजिकल में मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद रिटर्न होगा तो उसमें 50% मार्क्स में भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं फिजिकल में ज़्यादातर बाहर होते हैं इंडियन पैरासिप की भर्ती को लेके। वहीं बात करें अब उसके बाद आपको क्या क्या सिखाया जाता है तो उसको लेके मैं बता दूँ कि आपकी 6 से 11 महीने की ट्रेनिंग की जाती है जिसमें कि आपको डेमोनेशन, कम्युनिकेशन, वेपन स्किल, लैंग्वेज, कल्चरल स्किल, कॉम्बैट सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें आपसे कराई जाती है। वहीं बात करें इसकी जो इंडियन पैरासफ की है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेली कब देखने के लिए मिलती है तो आप सभी को बता दूँ इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेली होती है वो हमेशा जून या जुलाई में आती है, जून या जुलाई में इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली आती है। तो वही बात करें इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा तो इसके लेके अगर कोई भी अगर नोटिफिकेशन अभी जारी होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वहीं बता दूं कि जो इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली होती है वो कहाँ होती है तो ये बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं पता था, इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली जो आती है एक सेंटर होता है बेंगलोर, बेंगलोर जो है उसके रेजिमेंटल सेंटर जो है पैरासफ का वहाँ पे इसकी जो होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेली होती है, वहाँ इसकी डायरेक्ट एकदम भर्ती कराई जाती है। तो ये छात्र कंफ्यूज ना हो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेली आपकी होती है। वहीं बात करें अगर आप किसी और मोड से इंडियन आर्मी में पहले से सर्विस दे रहे हो तो आप पैरासफ की भर्ती में जा सकते हो 2 महीने की सर्विस देने के बाद इंडियन आर्मी की, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की ही एक यूनिट है, पैरासफ जो कमांडो आपकी यूनिट है वो इंडियन आर्मी से ही बनी है, एक यूनिट है जिसमें कि घातक फोर्स के कमांडो को रखा जाता है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जय हिंद।